हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय ब्लॉग। तो आपका भाई हो गया है रेडी, बज गए हैं 10 बजने में, 6 या 7 मिनट कम है। आज बहुत लेट हो गया ऑफिस के लिए, बहुत ज़्यादा लेट हो गया ऑफिस के लिए, क्योंकि लेट उठा हूँ 8:30 बजे। आज वैसे 8 बजे उठ जाता था, बट आज थोड़ा लेट हो गया क्योंकि रात में लेट सोया था। तो यहाँ से चलना है ऑफिस, उसके बाद आज आकाश भाई नहीं आएंगे हमारे, इसलिए मेरे को लेने भी कोई नहीं आया, इस वजह से थोड़ा और ज़्यादा लेट हो गया। तो अभी अगर मैं को कॉल किया था, वो शायद आ रहा है, तब तक हम पैदल ही चलेंगे जब तक वो नहीं आ जाता, क्योंकि टाइम पे पहुंचना ज़रूरी है। तो बने रहिए और मिलते हैं आगे, फिर वहाँ जा। तो ये हमारे पीछे शुभम भाई, शर्टलेस आर्मी मैन, और यह हमारा पुष्पेंद्र तैयार हो गया, जिसमें भर के खाना है क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग जाती है। और सामने हमारे अरुण भाई मेरा इंतजार कर रहे हैं, मेरा भाई, मेरा जिगर का टुकड़ा, मेरा जिगर का छल्ला। तो ये हमारे अरुण भाई स्प्लेंडर से, गरीबी बुरा हाल हो गया है स्प्लेंडर से। नागार्जुन आ बता, तो ये हम निकल दिए हैं आज पैदल, क्योंकि गरीब इतने हो गए हम लोग कि पेट्रोल डालाने का पैसा नहीं है गाड़ी में। और क्या ही बताएं अब आपको जीवन के दुख के बारे में, सबके पास दुख होता है। तो ये है मेरा, ऐसा कुछ कॉलोनी दिखता है यहाँ का, जमीन हमारे बाबा की हुआ करती थी, लेकिन बाबा को लग गए जुए की लत, बेच दिए एक एक बंटी पब्लिक बेच दी। यहाँ पे जान लो हम लोग का बचपन कब से बीत रहा है भाई, क्लास जब पैदा हुए थे तब से, पैदा होने के बाद जब से धोने का समझ में आया तब से बीत रहा है यहाँ पे बचपन, और कुछ समझ में आया तब से बीत रहा है। हाँ मतलब बहुत सारी चीज़ें जब हम लोग समझदार हो गए तब से आ रहे हैं। क्या क्या काम है जब समझ में आया तब हम लोग यहाँ रहे। ये हमारा ट्रांसफार्मर मेन अड्डा, यहाँ पे लौंडे शाम को यहाँ पे महफिल जमाते हैं। और ये है निराला नगर, छोटी वाली दुकान सबसे पुरानी है, ये अभी नया खुला है। और वो जो ब्लू कलर वाला घर दिख रहा है, सबसे पहले वहाँ पे हम रेंट पे रहते थे, वो लूकस का घर था, जॉन लूकस। ये आ गए अपने मोड़ पे, सबसे पुराना पेट्रोल पंप यहाँ का, सबसे पुराना। और इधर है बाइक एजेंसी, जैसे सुजुकी हो गया, हीरो हो गया, सारी एजेंसी इधर ही है। अरुण भाई तो मरने वाले थे अभी तक। मर जाओगे साले एक दिन। ये है हीरो का एजेंसी, जहाँ से मैंने अपनी बाइक ली थी। और सामने की तरफ है हमारा ऑफिस। तो ये है हमारे ऑफिस के राज भाई, जिनका काम चाय वाय लाना है, मस्ती में चाय लेने। हमारे और भी ऑफिस के मित्र यहाँ मिल गए हैं, मतलब दोस्त मिल गए हैं, परशुराम और विक्की भैया। तो चलते हैं आगे। तो अभी हम पहुंच गए हैं पेट्रोल पंप पे, हमारे कॉलोनी वाले। तो यहाँ से निकला हम लोग को सिंहपुर कला, जो कि लक्ष्मीपुर ब्लॉक में पड़ता है। हमारे साथ हैं मंटू भैया, और गाड़ी में तेल हो गया है, भरा गया है, अब निकलेंगे यहाँ से, मिलवाते हैं अभी और लोगों से।
यहाँ पे काफ़ी देर गाड़ी चलाने के बाद थकान जैसी हो गई है, पीछे का बम्पर वाइब्रेट कर रहा है हम लोगों का क्योंकि रोड काफ़ी ज़्यादा ख़राब है यहाँ का। तो अभी हम लोग आधे रास्ते पहुँच गए हैं, बस यहाँ से 6 किलोमीटर और जाना है, जैसा कि फ्रॉड हो गया हम लोग के साथ बताया गया था यहाँ से 3 किलोमीटर है, लेकिन दौड़ाया जा रहा 6 किलोमीटर, पता नहीं और कितना आगे चलना पड़ेगा। तो 8 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर है। हाँ मंडू भाई, आपको कोई सपना अपना आया था यार? हाँ, रात में लगभग भोर के 4 बजे। हम पहले बता दे सपना क्यों आया था। जैसे बकरा ईद था कुछ दिन पहले, तो सब लोग बकरा खा रहे थे 4-5 दिन लगातार। कल ये टिफिन में लेके भी आए थे, लेकिन किसी कारणवश वो खा नहीं पाए, तो उसी के अगले दिन के सपने में भगवान आए। और क्या बोले आपसे? भगवान नहीं आए थे, अरे मतलब उनके अवतार आए थे। अवतार आए थे, पहले जैसे जादू दिखा रहा था, एक जादूगर था, छोटा सा सांप लिया था वो, हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, क्रिकेट के बाद बॉल ऐसे जगह चला गया बिल टाइप में, उसके बाद हम लोग बॉल निकाल रहे थे, बॉल के रास्ते सारा एक छोटा सा वही सांप का आकार था, आकार बना कर आया था, छोटा सा था, एक बैग देखते रहते बहुत बड़ा हो गया, विशाल रूप में धारण कर लिया, पूरा गुटिया के बैठ गया हमारे वहाँ पे, पैर के आप आ गया, पैर के नीचे पूरा ऊपर लेके चला गया हमको। और तभी छोड़े, रिक्वेस्ट उससे बोले कि रिक्वेस्ट किए हम रिक्वेस्ट बोले रिक्वेस्ट किए कि ऐसा बात है, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, हमारी कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोड़ दीजिए। तो बकरा खाना बंद, लेकिन यार क्या बता, सावन वो भी लग रहा है, सावन भी आ गई है, इसीलिए दिक्कतें हो रही है। नहीं, मेरे घर में देवताओं का पूजा होता है, इसका सर भगवान का, तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई। नहीं वास्तव में शराबी देवता, क्योंकि अपने मम्मी के बारे में हम चर्चा किए मम्मी से इस बात को लेकर, लेकिन उन्होंने कहा दिया जलाया करो, अगरबत्ती जलाया करो, शंकर भगवान की पूजा किया करो, तुम करते नहीं हो। तो मोटिव यही है, आदमी मोटिव यही है कि आपको थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए, सावधानी बरतना चाहिए, और नेपाल नहीं जाना चाहिए खासकर। बाकी हमने कैसीनो में गया तो 1,68,000 का वहाँ का ठक्का भी चला गया, वहाँ के गार्डों से मारपीट कर लिए, और वहाँ की लड़कियों के साथ बदतमीजी कर लिए, सीधा तोड़ के चले। जैसे कि जिंदगी में दिक्कतें बहुत हैं यहाँ पे लोगों के, तो यहाँ से अभी 6 किलोमीटर और जाना है, थकावट काफ़ी ज़्यादा हो रही है, अभी निकलेंगे आराम से। अरे यार तू कर, अभी आगे गाँव में आपसे क्यों रखा रखा बंद। तो फाइनली इतने देर भटकने के बाद और ट्रैवल करने के बाद हम लोग पहुंच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पे, जिस गांव में आना था, जिसका नाम है सिंहपुर कला, ये पड़ता है लक्ष्मीपुर ब्लॉक में, नौतनवा के पास में ही है। अगर जो लोग यहां लोकल के होंगे वो लोग जानते होंगे, और जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूँ कि लक्ष्मीपुर ब्लॉक में पड़ता है, जो कि हमारा नौतनवा फरिंदा से अटैच होकर जो नेशनल हाईवे जाता है उस वाले एरिया पे। तो काफ़ी बैकवर्ड गाँव है, मतलब उतना ज़्यादा तो यहाँ पर लोग हमको दिख नहीं रहे हैं कि ऐसा है, बट ठीक है जो भी है। तो अभी हमारा कैंप लगेगा और गांव वालों से बातचीत होगी, और काफ़ी ज़्यादा थकान भी हो गई है क्योंकि ट्रैवल बहुत ज़्यादा कर लिया, और गर्मी की वजह से हालत ख़राब है, बहुत ज़्यादा धूप है यहाँ पे। हम लोग आनंद नगर महाराजगंज से आए हैं फरिंदा। हम लोग का एक किसान विकास एवं जन कल्याण समिति है, इसका ऑफिस आपको ब्लॉक के सामने मिल जाएगा, फरिंदा ब्लॉक के सामने। फरिंदा आए होंगे या ब्लॉक जान रहे होंगे, तो फरिंदा ब्लॉक के सामने हमारा ये ऑफिस है इसका। तो इसका जैसे मोटिव ये है, जैसे किसान भाइयों बहनों जो भी हैं उन इसका मोटिव ये है, हमारी संस्था 4 क्षेत्रों में काम करती है, जैसे नीचे लिखा हुआ है क्षेत्र, देखिए कृषि, शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार। तो पहले हम बात कर लेते हैं कृषि की। कृषि में जैसे सब लोग यहाँ सबके पास खेत होगा ही, सब लोग भाई किसानी ही करते हैं, गांव के लोग किसानी ही करते हैं, फिर करना जो भी जीवन है यापन करते हैं। तो किसानी में मान लीजिए आप लोग को अगर कोई भी अनाज बोए हैं या कोई पेड़ लगाए हैं उसमें कीड़ा लग गया या किसी कारणवश वो नहीं पैदा हो रहा है, उसमें मट्टी में दिक्कत है, क्या दिक्कत है, तो आप लोगों को कृषि डॉक्टर से संपर्क करना पड़ता है। तो डॉक्टर आपको बताएगा कि ये वाला दवाई डालिए, वो वाला दवाई डालिए, तब जाके आप लोगों को पता चलता है भैया ये दिक्कत है। तो हमारा एक ऐप है किसान समाधान है, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, गूगल पे, उस वजह से आप लोग कोई तकलीफ हो जाए, अनाज नहीं पैदा हो पा रहा है, चाहे कम हो रहा है, चाहे मट्टी की दिक्कत है, तो आप ऑनलाइन डॉक्टर बैठते हैं, उसके जो कृषि विभाग डॉक्टर होते हैं बड़े रहेंगे वो बैठते हैं, आप उनसे ऑनलाइन बात करके उस चीज़ का समाधान आप कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर पर बैठ के आप कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ की आप खाद DAP जो भी यूरिया वगैरह लेते हैं गाय को खिलाने के लिए, तकलीफ चोकर वोकर लेते हैं, वो संस्था भी हमारी संस्था आपको दिलाएगी। जैसे कि मान लीजिए आप DAP लेने जाते हैं 1300-1500 रुपया, उसके बाद यहाँ से आप गाड़ी लेके जाएंगे, पेट्रोल का खर्चा, अपना नाश्ता पानी, उसके बाद फिर आप वहाँ पे लाइन लगाएंगे, तब जाके आप लोगों को सामान मिलेगा।
हमारी संस्था का ये नियम आया है कि हर चीज आसान करने का, कि जो लोग बुजुर्ग हैं जिनके घर में बेटे नहीं आया लड़का नहीं है वो कैसे जाएगा, साइकिल लेके तो जाएगा नहीं उतना दूर, दूसरे से कहेगा तीसरे से कहेगा। तो आप इसका एक ऑनलाइन ऐप है हमारा, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग सब लोग जानते होंगे, सब लोग नहीं जानते तो ऑनलाइन शॉपिंग होता है ऐप के थ्रू शॉपिंग होता है, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजॉन हो गया, मीशो हो गया। तो ऐप में आपके दिया रहेगा कि खाद, हम लोग खाद छपा रहेगा, जैसे छपा डाल सामान सब वही थे जब पहले पूरा छपा डाला तो छपल लगी, उसके बाद आप उसे क्लिक करेंगे कितनी मात्रा में आपका पहले खेत का हम लोग। तो हमारा वर्किंग प्रोसेस चल रहा है, काफी ज्यादा सहयोग मिल रहा है गांव का, हमारे भाई का तबीयत थोड़ा खराब सा लग रहा है, पेट में लग रहा है कुछ, इनके दिक्कत सा हो गया है, कार्ड वार्ड काफी बन गया है, 4-5 बन गया है, हम लोग को भूख लग गई है तो अब खाना खाएंगे। तो यहाँ पे हमने खाना वाना खा लिया है, हमारा फूड वेंडर हो गया है खाली, तो अब यहाँ पे काम हम लोग का खत्म ही हो गया है लगभग लगभग, उसके बाद हम लोग निकलेंगे यहाँ से ऑफिस के लिए, बड़ा लंबा रास्ता जाना है भाई, भाई 1 घंटा लगी। तो यहाँ हमारा पैकअप हो चुका है, अब हम निकलेंगे ऑफिस के लिए, रास्ता काफ़ी ज़्यादा लंबा है, और तो फाइनली अभी ऑफिस में पहुँच गए हैं, यहाँ से काम करने के बाद चलते हैं, हमारे 2 मित्र आए हैं एजेंसी पे बजाज वाले, उनकी गाड़ी ख़राब हो गई थी कंपनी, तो ये है यहाँ का बजाज एजेंसी हमारे मित्र। तो फाइनली अभी मैं घर आ गया हूँ, मेरे कुछ दोस्त थे जिनसे मैं मिलवा नहीं पाया, आपको कुछ जल्दी में थे, तो उसकी गाड़ी में कुछ दिक्कत आ गया था, उससे उन लोग आनंद नगर आए थे बजाज वाली एजेंसी पे, कुछ थ्रॉटल बॉडी में कुछ दिक्कत था, तो उन लोगों का काम तो यहाँ से हुआ नहीं क्योंकि वारंटी में गाड़ी तो एजेंसी पे ही बनेगी जहाँ से उसने गाड़ी ली थी। तो अभी मैं घर आ गया हूँ अपने, आज काफ़ी ज़्यादा लेट आया हूँ, 6 बज गए हैं क्योंकि काम ज़्यादा था इस वजह से लेट हो गई, तो अब आराम करेंगे, पसीने से पूरा बुरा हाल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें।